सीधा प्रदेश की है खबरों की ओर। खबर है जनपद कासगंज से। कासगंज बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बीते मंगलवार को 27 दिनों से नियमित चल रहे कासगंज तहसील में अधिवक्ताओं की हड़ताल में पहुंचे, जहां अधिवक्ताओं ने तहसील में व्याप्त स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने तहसील प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए अपर जिला अधिकारी AK सिंह को भी नहीं बख्शा। उन्होंने भ्रष्टाचार का जमकर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जब तक तहसील प्रशासन भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा, तब तक अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए मोहित वर्मा की रिपोर्ट। सक्सेना जी, बात कीजिए, आज जो आपने मांग पत्र रखा है, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारा कासगंज बार एसोसिएशन के बैनर तले कैलाश राजपूतीय स्थान में हमारा ये आंदोलन 29/3 से चल रहा है। हमारा एक हमने 24 सूत्री मांग पत्र जो है DM को दिया, जिसकी प्रतिलिपि हमने मुख्यमंत्री, सचिव, राजस्व परिषदीय अध्यक्ष, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को भेजी है। उसके बाद उन्होंने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। उसके बाद हमने 15 तारीख को फिर एक स्मृति पत्र दिया हमने, उसके बाद भी उन्होंने कोई विचार नहीं किया। फिर हमने उनको 23 तारीख को एक स्मृति पत्र दिया है। DM साहब जो है ये प्रश्नजीशु बनाए हुए हैं कि अधिवक्ताओं की हड़ताल जो है वो SDM लेवल खत्म करा दे, तहसीलदार लेवल पर खत्म हो जाए। हमारी शिकायतें जो हैं वो उनकी कार्यप्रणाली, उनके न्यायालय में हो रहे कार्य करने का तरीका, ADM द्वारा मनमानी तरीके से धन लेना, ADM द्वारा ये कहना कि वकीलों की हड़ताल तो जो है वो अपने न्यायार्थ सुधार्थ के लिए होती है, जबकि हम कहते हैं ADM से ज्यादा भ्रष्ट आदमी यहां पर अधिकारी कोई नहीं आया। क्योंकि वो कितने रुपये, हम DM साहब को ये भी बताना चाहते हैं कि वो कितने रुपये लेकर के बीघा, मतलब जो परमिशन कर रहे हैं, अब तक उन्होंने कितनी परमिशन की है। लेकिन वो कहते हैं साहब ADM साहब वार्ता करेंगे। हमारी वार्ता जो है, हमारी स्ट्राइक इस बात पर डिपेंड है कि DM साहब आए, हमारी समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करें। जब तक DM साहब नहीं आएंगे, DM साहब ने अगर ये प्रेस्टेज इशू बना लिया है कि मैं तहसील में नहीं जाऊंगी और अधिवक्ताओं के विचार नहीं सुनूंगी, तो हमारी हड़ताल भी जो निरंतर जारी रहेगी, लेकिन DM साहब कब तक नहीं आती है।